इवनिंग बच्चों, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17 देखेंगे और आज आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ग्राफ। जब आप मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस बुक में देख रहे होंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, तो अब आपको मैं सिखाऊंगा ग्राफ, लेकिन जो ग्राफ यहाँ आप सीखोगे वो सिर्फ काइनेमेटिक्स में मदद नहीं करेगा बल्कि पूरी फिजिक्स में आपको हर चैप्टर के ग्राफ में मदद करेगा। तो ये जो ग्राफ है आप इसको बहुत सीरियसली लेना, ये हर एक चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा भी इस तरीके से कि बाकी चैप्टर्स के ग्राफ के का भी कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे कवर हो जाए, ठीक है ना। तो ये समझ के चलना, तो ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला है और आपने ग्राफ ड्रॉ किया भी होगा 9th-10th में, तो उसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से समझना है भाई, क्योंकि ये यहाँ जो मैं ग्राफ बताऊंगा वो आपको हर चैप्टर में काम आएगा, उसके कॉन्सेप्ट सारे जगह काम आएंगे, ठीक है। और आज से जब इसको आप पढ़ोगे तो एक स्केल लेके रखोगे, एक पेंसिल का यूज कर भी सकते हो या पेन से भी कर सकते हो, ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली वो ग्राफ ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं जो आपने 10th class में ग्राफ ड्रॉ की थी। वहाँ तो आप एक बॉक्स बना के पॉइंट बना बना के आप करते थे, वो काम हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, चलो, तो आज का हेडिंग है अपना बच्चों ग्राफ। ओके, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में चाहे वो कॉम्पिटिशन हो या आपके बोर्ड्स में भी कहीं भी आपको ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना आप अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग दे दिया ग्राफ। अब तुमसे कोई पूछे कि ये ग्राफ क्या है, है ना, जैसे तुम जानते तो हो कि ग्राफ पेपर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, बट व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ जो है बच्चों ये एक डायग्राम है, डायग्राम है मतलब चित्र है, चित्र है जिसके थ्रू एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, मैथमेटिकल इक्वेशन का। अब जो मैंने बोला वो मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखो y इक्वल्स टू मान लो 4x है, इस इक्वेशन को देख के आप क्या बोलते हो, आप यही बोलते हो ना कि y x का फंक्शन है, क्लियर। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, ये इंक्रीजिंग का साइन है, बढ़ने का साइन है, तो y भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन का सहारा लिया हमने और हमने बता दिया कि y किसका फंक्शन है, x का, x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन, जिससे आपने y और x के बीच जो निर्भरता है, जो y डिपेंडेंट है किसका, x का, उसको रिप्रेजेंट मतलब दर्शाने के लिए आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लिया। अगर कोई बोले कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लिए बिना किसी डायग्राम की मदद से, किसकी मदद से, डायग्राम की मदद से, चित्र की मदद से आप मेरे को समझाओ कि y और x डिपेंड कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक वर्टिकल लाइन पे हमने ले लिया वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस वाई एक्सिस और इस एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो देखो, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब खुद देखो ये जो है ये लाइन क्या बताता है, आपको याद होगा कि इस एक्सिस के ऊपर जो लेते थे वो x कोऑर्डिनेट कहलाता था, क्या कहलाता बच्चों, x कोऑर्डिनेट, जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा। देखो x का वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 4 आ गई, x का वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 8 आ गई, x का वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 12 आ गई। तो ये डायग्राम, ये जो तुमने डायग्राम बनाया, ये भी इसी बात को शो कर रहा है कि x के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, समझ गए बच्चे। ये भी आपका शो जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि ये x के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहां पे कि ग्राफ जो है, ग्राफ ग्राफ इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस। ग्राफ क्या है बच्चों, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, मैथमेटिकल इक्वेशन का। अब इसके और एग्जांपल्स देखो, मान लो कि आपको ऐसा लिखा हुआ रहे कि ए पार्टिकल पार्टिकल हैज वेलोसिटी विच डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ग्राफ फॉलोइंग ग्राफ। तो आप देखो, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है टाइम पे, अकॉर्डिंग टू ए वाई सी मैं लिखूं, इसका मतलब समझना, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ग्राफ। अब जैसे देखो ये ग्राफ, ये आपका इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले लिया, इस एक्सिस पे टाइम ले लिया। देखो जहां हमने वाई लिया था बच्चों, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से वाई है, लेकिन फिजिक्स में वाई एक्स नहीं रहता है, फिजिक्स में तो जो उसकी क्वांटिटी है उसके बीच ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो मान लो इस एक्सिस पे वेलोसिटी है, इस एक्सिस पे टाइम है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ आया, और यहां पे लिख दो 4 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस पे जो लिखोगे, जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे रहेगी, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो वाई एक्सिस के क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। अब देखो टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे भी वेलोसिटी 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 पे भी 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 पे भी 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 3 पे भी 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 पे भी 4 सेकेंड। इसका मतलब ये वन डायमेंशन का केस नंबर 2 हो गया, जहां तुम देख रहे हो कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो जिस बात को हम लोग लैंग्वेज में लिख के दिखाते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसे यहां ग्राफ से भी दिखाया जा सकता है कि पार्टिकल जो है वो जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो ग्राफ है वो एक मैथमेटिकल रिलेशन को डायग्राम के माध्यम से समझाने का एक तरीका है, समझे। तो और ये बहुत अच्छा तरीका भी है, इतना लैंग्वेज लिखने की बजाय तुम्हारा एक लाइन एक एक एक्सिस पूरे इक्वेशन के बारे में जानकारी दे देता है, इसलिए ग्राफ को हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो आज के डेट में अगर तुम देखते होगे टेलीविजन पे कोरोना ग्राफ, कोरोना वायरस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते होगे कि पेशेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ता जा रहा है और जितने पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो अगर आपको रोज़ रोज़ का नंबर देने के बजाय ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, तो यहाँ से भी तो पता चल रहा है ना कि टाइम बढ़ने के साथ साथ पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और किसी किसी कंट्री में घट रही है। तो ये ग्राफ से भी हम लोग शो कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए किन किन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब समझते हो ना मापदंड, किन किन पैरामीटर्स के बारे में बात करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब वो वेक्टर वाला मत समझ जाना, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ग्राफ। कंपोनेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि ग्राफ किन चीज़ों से बना होता है। तो देखो मैं एक एक करके नंबरिंग कर रहा हूँ, ग्राफ में क्या होना चाहिए, ग्राफ में होना चाहिए एक्सिस
ओरिजिन, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट, ये एक में आ गया, ठीक है। पहले हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट अभी मैं सब समझाऊंगा कि क्या होता है। तीसरा यानी थर्ड जो है बच्चों वो है स्लोप, किसके बारे में बात करेंगे, स्लोप। एंड फोर्थ है बच्चों एरिया, एरिया ऑफ कर्व। ग्राफ को हम लोग ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो ये एक्सिस के बीच में ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, इस लाइन को हम लोग कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ कर्व, है ना, ये सारी चीजों को हम लोग भी देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला आप जल्दी से इसे लिख लो, जल्दी से आप इसे लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा, जल्दी से आप लिख लो इसे, वीडियो पॉज करो और आप इसको लिख लो। ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बच्चों यहां पे देखो, कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट यू हैव टू चूज एक्सिस। और जब भी कोई तो एक्सिस क्या है, तो देखो दरअसल ग्राफ है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दो क्वांटिटी के बीच में होता है, दो क्वांटिटी के बीच में इक्वेशन होता है। कभी भी इक्वेशन में आप देखते होगे एक तरफ वाई दूसरी तरफ एक्स, जनरली तीसरी क्वांटिटी भी हो सकती है। बट जो हम लोग क्यों सीख रहे हैं इसको, ताकि हम फिजिक्स में यूज करें। तो बच्चों याद रखना, फिजिक्स में अपने पास किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, LHS और RHS में, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली दो क्वांटिटी के बीच में ही कंपेयर करेंगे। जैसे वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में हो सकता है, पोजीशन टाइम के फंक्शन में हो सकता है, ये फिजिक्स वाला एक्स है। एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में हो सकता है, फोर्स आपका टाइम के फंक्शन में हो सकता है। जनरली टाइम ज़्यादा रहता है, टाइम अधिकांश केस में टाइम ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो क्वांटिटी के बीच में अगर रिलेशन होता है तो हम लोग जो यहाँ पे एक्सिस लेते हैं तो एक्सिस भी दरअसल उन्हीं दोनों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो दो क्वांटिटी है, तो मान लो सपोज करो कि आपका यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है ना, वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। तो हमने वाई एक्सिस पे एक क्वांटिटी ले लेना है और दूसरा एक्स एक्सिस पे। जैसे मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो वाई पे वेलोसिटी ले लेंगे और एक्स पे टाइम ले लेंगे। मान लो पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पे ये फिजिक्स वाला एक्स है, ये मैथमेटिक्स का एक्स तो ऐसे ही होता है, ये फिजिक्स में एक्स से पोजिशन को दिखाते हैं। तो पोजिशन यहाँ पे, टाइम यहाँ पे। फिर तुम कहोगे कि सर आप जो बोल रहे हैं वेलोसिटी यहाँ पे, टाइम यहाँ पे, क्या उल्टा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ऐसी बात है कि कोई भी ग्राफ का ड्रॉ करने का एक कन्वेंशनल तरीका होता है, एक पारंपरिक तरीका होता है, और हम लोग नॉर्मली उसमें ही पूछते हैं। टेक्निकली तुम अपोजिट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर तुम्हें कहीं लिखा हुआ रहता है वाई इक्वल टू फोर एक्स, तो जनरली जब भी मैथमेटिक्स में तुम देखते होगे तो LHS में Y और RHS में X, लेकिन तुम चाहो तो 4X equals to Y भी लिख सकते हो, लिखने में क्या जाता है। लेकिन एक तरीका जो है नॉर्मली उसमें हम लोग टाइम को, नॉर्मली फिजिक्स वाली टाइम को हम लोग X एक्सिस पे लेते हैं और इधर दूसरी क्वांटिटी को लेते हैं। तो एक्सिस तो समझ में आ गया तुम्हें, एक्सिस किस हिसाब से लिया जाता है, जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम लोग क्या यहाँ पे चूज करते हैं, एक्सिस को, ओके। चलो अब इस एक्सिस पे, दरअसल एक्सिस है क्या, तो एक्सिस जो है एक स्केल है। एक्सिस क्या है बच्चों, स्केल। स्केल कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एक्स एक्सिस जो है ये स्केल है, स्केल जो है वो मेजर यानी मापने का एक तरीका है। तो इस एक्सिस पे अगर मान लो तुमने टाइम को रख दिया तो ये एक्सिस किसको मापेगा, टाइम को। अगर तुमने इसके ऊपर फोर्स को रख दिया तो ये किसको मापेगा, फोर्स को, समझ गए ना। और जैसा कि तुम जानते हो कि हर स्केल में एक जीरो मार्क जरूर होता है, तो मान लो एक्स एक्सिस का जीरो मार्क यहाँ पे है और वाई एक्सिस का जीरो मार्क यहाँ पे है, तो जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है उसी पॉइंट को हम लोग जीरो मार्क कंसीडर करते हैं।
और तुम्हारे नॉर्मल जो स्केल जो लेंथ मेजर करते हो उसमें तो जीरो से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ ऐसी क्वांटिटी भी है जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तुम्हारे तुम स्केल जिसका यूज करते हो वो तो लेंथ मेजर करता है, तो लेंथ नेगेटिव तो होता नहीं है, कोई भी चीज़ की लंबाई जीरो के बाद कुछ लंबी ही होती है, ज़्यादा ही होती है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो आपका नेगेटिव हो ही सकता है। टाइम के बारे में मैंने बता रखा है कि टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, इंटरवल पॉजिटिव रहेगा, टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन टाइम इंस्टेंट नेगेटिव कैसे होता है ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्केल है ये एक्सिस क्या हुआ बच्चों, एक्सिस एक स्केल है, मैं लिख देता हूँ ये क्या है स्केल, और ये स्केल किसको मेजर करता है, ये स्केल उसको मेजर करता है जो उसके ऊपर रिप्रेजेंट दर्शाया जाता है। वेलोसिटी दर्शाओगे तो वेलोसिटी को मेजर करेगा, टेम्परेचर दिखाओगे तो टेम्परेचर को मेजर करेगा, डिस्प्लेसमेंट को दिखाओगे तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा। तो जो एक्सिस है ये स्केल है, इट मेजर्स, मेजर्स मतलब मापता है, इट मेजर्स द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, द क्वांटिटी which is represented, which is represented on it, जो इसके ऊपर बच्चों दिखाया जाता है। और ओरिजिन तो समझ ही गए, ओरिजिन उस बिंदु को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, और वहाँ का जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो होगा 0.0। अब सवाल है ये कोऑर्डिनेट क्या है, सवाल है ये तो इस एक्सिस हो गया, ओरिजिन तो समझ ही गए, मेन है अब थोड़ा तुम्हें मैं समझाऊं कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। देखो कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं है, कोऑर्डिनेट एक न्यूमेरिकल डाटा है, एक सांख्यिक है, वैल्यू है जो उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जो कोऑर्डिनेट है यहां मैं नीचे लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ये क्या है बच्चों, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्सिस। थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने तो आप देख लेना, मैं देख लेता हूँ कैमरा में सही दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट जो है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्सिस। अब जैसे देखो, अब यहां मैंने मार्क कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, तो सोच लो कि ये एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां मार्क कर दिया 2, 4, वो यूनिट आप डिसाइड करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब अगर मान लो कोई पॉइंट आपका यहां पे है P, ठीक है ना, इन दोनों एक्सिस के बीच में ये पॉइंट P है, और कोई तुमसे पूछे कि भाई ये P का कोऑर्डिनेट कितना है, तो जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट जानना है उस एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर डालो। जैसे मान लो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जानना है तो पॉइंट P से x एक्सिस पे एक, सॉरी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जानना है तो पॉइंट P से y कोऑर्डिनेट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो देखो ये y एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पे गया, इसने इसको कहां पे कट किया 8 पे, तो ऑटोमेटिकली P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 8 होगा। अगर इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो देखो ये x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, पहले x को लिखते हैं और बाद में y को, तो इस तरीके से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3.8। अब कोऑर्डिनेट जानने से क्या फायदा होता है सो देखो, अब जैसे मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, अब मैं ये तो प्योर मैथमेटिक्स हो गया, अब थोड़ा फिजिक्स मिक्स करके मैं बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। अब जैसे यहां देखो ये वेलोसिटी है ना, ये क्या है आपकी वेलोसिटी, और इस एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम, इस एक्सिस पे वेलोसिटी, इस एक्सिस पे टाइम,
तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वेलोसिटी को। तो वाई जो है स्केल, वाई स्केल किसके लिए हुआ? वेलोसिटी को, क्योंकि वो किसको मेजर कर रहा है? वेलोसिटी को। और टाइम वाला जो एक्सिस है ये स्केल कर किसके लिए काम कर रहा है? टाइम, टाइम को मेजर कर रहा है। अब मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब इस ग्राफ से तुम बहुत कुछ बता सकते हो, इस ग्राफ को देख के तुम क्या क्या बोल सकते हो। तुमसे कोई पूछेगा एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो तुम देख सकते हो कि पार्टिकल का जो ग्राफ है वो यहां से शुरू हुआ है। तो ये पहला टाइम देखो t इक्वल टू जीरो है तो उस समय वेलोसिटी भी तो जीरो है। तो तुम कहोगे कि सर जिस समय ऑब्जर्वर ने मोशन को देखना शुरू किया आपकी जो पार्टिकल थी वो क्या थी? रेस्ट में। t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है बच्चों? जीरो। ओके, उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि बताओ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, तो तुम कहोगे ऑफ कोर्स वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, देख लो ना टाइम बदल रहा है, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, तो बच्चे क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? तो वेरिएबल है। तो अगर कोई कहे कि जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये है 8 और ये है आपका मान लो 12। अच्छा वेलोसिटी है तो जब भी एक्सिस देते हैं तो यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं, तो जैसे वेलोसिटी है ब्रैकेट में हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड, तो ये कोऑर्डिनेट का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ टाइम है तो लिख दिया हमने सेकेंड। ओके, तो अब देखो टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है आपकी, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 12 और 8 के बीच में, मान लो यहाँ पे बीच में हम अपने मान लो 10 है, तो तुम कह सकते हो ऐसे, मैं ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप टेंशन मत लेना, तुम कह सकते हो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़ के कितनी हो चुकी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया, कोऑर्डिनेट से क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, यही मैंने लिखा है ना। तो सीधी सी बात है 3 सेकेंड्स पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 10। और ये प्लस में है क्योंकि ऊपर प्लस में दिखाएंगे और नीचे दिखाएंगे माइनस में। माइनस में दिखाने का मतलब तुम समझते हो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मान लो नॉर्थ में जाने वाली वेलोसिटी को प्लस मान रहे हो तो साउथ वाली वेलोसिटी नेगेटिव होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो चलो इसे जल्दी से लिखो। तो ये था आपका एक्सिस ओरिजिन कोऑर्डिनेट। अब यहां पे मैं एक पॉइंट और बताऊंगा। तो अब एक पॉइंट यहां और समझो दोस्तों, इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग। देखो दरअसल अगर मैथ का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना, अब ये चीज याद रखना, अभी हम लोग पूरे फिजिक्स में इसको हम लोग यूज करेंगे। मैथ में हम लोग सीधा यहाँ वाई और यहाँ एक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये मैथ का एक्स जो है ऐसे ही एक्स लिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, माना कि एक्स कोई एक्स क्वांटिटी है। तो वहां पे आपका ये एक्स आपका बढ़ भी सकता है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसी ग्राफ में घट भी सकता है, क्योंकि आपकी ऊपर मर्जी, आप जो लेना चाहो ले सकते हो। क्लियर? लेकिन जब बात आएगी ये मैथ में, ये मैथ की बात हो रही है, लेकिन बात अगर फिजिक्स की करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? फिजिक्स की। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है जिसको मैं दूर करूंगा अभी। फिजिक्स में आपके लगभग सारे ग्राफ, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के, किसी एक दो चैप्टर में अलग ग्राफ, बाकी सारे ग्राफ में यहां पे टाइम रहने वाला है। कौन रहने वाला है बच्चों? टाइम। और ग्राफ कौन ड्रॉ करोगे? तुम या हम। एंड वी आर ऑब्जर्वर, हम लोग कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ही तो ग्राफ ड्रॉ करेगा, और ऑब्जर्वर हमेशा किसी चीज को, किसी मोशन को कब देखेगा? जब देखेगा उस समय कितना बजेगा? जीरो। क्योंकि यही हमें सिखाया गया है कि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पार्ट हैं, और हम लोग के हाथ में स्टॉप वॉच, जब हम लोग देखेंगे तो अपने घड़ी को क्या करेंगे? ऑन करेंगे, और जो सबसे पहला टाइम दिखेगा
वो दिखेगा आपको t इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एज ए ऑब्जर्वर आपके लिए हमेशा t की वैल्यू कहां से शुरू होगी, जीरो से। हालांकि आपके देखने के पहले भी इन वैल्यूज को हम ले सकते हैं नेगेटिव वाले को, लेकिन ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो हमारे लिए t की वैल्यू हमेशा कहां शुरू होगी, जीरो से। और दूसरी बात कि ये x कोई भी क्वांटिटी है जो घट बढ़ सकती है कुछ भी, लेकिन टाइम का क्या खासियत है जो तुम भी जानते हो कि टाइम एक बार जब शुरू हो जाता है, टाइम जब एक बार आपने ऑन कर दिया तो क्या टाइम कभी घट सकता है? एक बार मान लो तुमने घड़ी ऑन कर दिया, स्टॉपवॉच ऑन कर दिया, या मान लो किसी आदमी का जन्म हो गया, बर्थ ले ली, बर्थ हो गया, तो उसकी एज बढ़ती ही जाती है ना, एज कभी घट सकती है, टाइम पीछे नहीं जाता कभी। तो इसका मतलब है फिजिक्स में ग्राफ कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट यानी जो टी वाला है इसको हम लोग हमेशा बढ़ाते ही जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव में बढ़ते ही चला जाएगा, ग्राफ ऐसे ही चलता चला जाएगा, इधर कभी नहीं आएगा। इधर आने का मतलब है, इधर आने का मतलब है तो नेगेटिव में बढ़ना, वो नहीं हो सकता। तो याद रखना हम लोग जितना भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो या तो पहला क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड या थर्ड में हम लोग ग्राफ ना के बराबर, एक दो एक्सेप्शन कहाँ पे है वो मैं बताऊंगा आपको, अधिकांश आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ में। कहोगे फर्स्ट फोर्थ क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे तो तुमने टाइम ले लिया, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन इस एक्सिस पे आप क्या ले सकते हो, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या है, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। मान लो आपने जब आंख खोला उस समय पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ये पार्टिकल तो आपका इंतजार नहीं करेगा ना, पार्टिकल तो चल रहा है, आपने देखना जब शुरू किया तो मान लो वो 50 से चल रहा था और वो ब्रेक लेना शुरू कर दिया, तो ब्रेक लेना शुरू कर दिया तो उसकी रफ्तार घटने लगेगी, तो इसलिए वेलोसिटी आपकी घट भी सकती है। तो देखो वेलोसिटी घटती घटती 50 से घट के जीरो हो गई, लेकिन टाइम एक बार जीरो से तो टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपने जब घड़ी को ऑन किया तो टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी घटती जा रही है क्योंकि वो ब्रेक ले रहा है। अब ब्रेक लेके फिर हुई, देखो यहाँ पे वो रुक गया क्योंकि यहाँ पे मान लो 5 सेकेंड है, तो टाइम 5 सेकेंड है लेकिन वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट अब जीरो हो चुका है। अब मान लो वहाँ के बाद उसने बाइक को पीछे मोड़ लिया आगे जाने के बजाय, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के बजाय नेगेटिव डायरेक्शन में मोड़ लिया और फिर स्पीड पकड़, फिर एक्सेलरेटर लगा दिया, तो फिर क्या होगा बच्चों, टाइम क्या 5 सेकंड के बाद घटने लगेगा? नहीं, टाइम अभी भी, क्योंकि मोड़ने से क्या हुआ, तुम्हारी घड़ी तो शुरू है तो अभी भी 5 के बाद 6 सेकंड होगा, लेकिन अब फिर वेलोसिटी जो बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे जैसे मान लो यहाँ वेलोसिटी जीरो है, अब वेलोसिटी मान लो फिर 1 हो गया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको दिखाएंगे -1 से, यानी ऐसे। तो देखो ये 6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी -1 हो गई, फिर 7 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी -2 हो गई। तो ये -1 -2 का मतलब समझ में आ रहा तुम्हें? इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया वेलोसिटी का, लेकिन वैल्यू बढ़ रहा है। फिजिक्स के हिसाब से 1 से बड़ा होता है 2। ये माइनस पे ध्यान मत दो, ये माइनस केवल फिजिक्स में क्या दिखाता है, डायरेक्शन। तो ये कुछ खास अंतर है मैथ और फिजिक्स के ग्राफ में, समझ गए ना? तो बिल्कुल मैथ का एप्लीकेशन यहाँ पे मत कर देना। तो इसलिए फिजिक्स का ग्राफ फिजिक्स के टीचर से लाइक मी, मेरे से सीखना तुमको जरूरी है, तभी तुम यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, पूरा मैथ वाला कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, समझ गए ना? तो क्या आई बात समझ में? तो देखो टाइम हमेशा बढ़ता चला गया, ये पूरी जर्नी में देखो टाइम की वैल्यू तो बढ़ती ही चली जा रही है, वेलोसिटी आपकी घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव में भी हो सकती है नेगेटिव में भी हो सकती है। तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, पहला क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें अलाउड है, इधर हम लोग नहीं जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अलाउड है, इधर नहीं जाएंगे। तो ये दिमाग में सेट रखना कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में जितनी भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मन में यही रहे तुम्हारा कि एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ही लेने वाले हैं और ग्राफ को टी इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू जीरो से शुरू करेंगे और उसके बाद एक्स की वैल्यू हमेशा क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मन में एक्स के बारे में तो पता है, एक्स कौन है, टाइम, और वाई पे जो भी होगा वो बढ़ घट कुछ भी सकता है। क्लियर है? तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात थी जिसको आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। हालांकि मैं कई बार रिपीट भी करूंगा, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दी। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ के अगले पॉइंट के ऊपर जिसका नाम था इंटरसेप्ट।
इंटरसेप्ट। अब इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना, छोटा सा यूज है जो आप जानते भी हो। इंटरसेप्ट क्या है असली, जो देखो ग्राफ में जो हम लोगों को सीखना है ना, स्लोप को सीखना, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद आएगा, उसी में टाइम भी लगेगा हम लोग को। तो इंटरसेप्ट जो है बच्चों, सीधी सी बात है, इट इज द पॉइंट वेयर द कर्व ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट। अब देखो यहां है इंटरसेप्ट और ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना, वेयर कर्व ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस। किसको काट रहा हो बच्चों? एक्सिस को, इंटरसेक्ट द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस नहीं, कोई भी एक्सिस को। सिंपल सा चीज है, देखो। अब जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और कोई ग्राफ ऐसे आया, तो देखो ये दो पॉइंट्स को देखो, इन टू पॉइंट्स को देखो। मान लो ये पी है, ये क्यू है। अब ये दो पॉइंट है जहां इस ग्राफ ने, ये बीच वाली लाइन कर्व ऑफ द ग्राफ कहलाएगी, जो ग्राफ के लिए, ग्राफ में जो एक्चुअल लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लोग कर्व बोलते हैं, है ना। कर्व का मतलब टेढ़ा हो जरूरी नहीं है, सीधा को भी कर्व ही यहां बोलते हैं। अब इसने इसको यहां कट किया, यहां कट किया, तो ये कहलाएगा बच्चों, ये पॉइंट कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट का मतलब देखो, दो शब्द है, ये और ये। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, और काटने से जो पैदा हुआ उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। तो बच्चों यहां पे कहेंगे इसको इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, जब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट मिलता है तो यहां पे x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो मान लेते हैं x नॉट, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर में, तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। यहां पे हो जाएगा उल्टा, अगर इंटरसेप्ट y एक्सिस पे है बच्चों, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट होगा जीरो और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो जिस एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है उस एक्सिस का तो मैग्नीट्यूड आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली जीरो। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, जो कभी भी इंटरसेप्ट जैसी चीजें आ जाए तो आप समझ जाना इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट, वो बिंदु प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है जहां कर्व ने एक्सिस को कट किया है। ओके दोस्तों, तो चलो ये छोटी सी बात थी, आप लिख लो इसे जल्दी से। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज स्लोप के बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में आज भी बात होती रहेगी और कल भी बात होती रहेगी, मतलब ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। स्लोप, अब ये स्लोप क्या है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ का स्लोप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डे टू डे लाइफ के स्लोप के बारे में बता दूं कि ऐसे स्लोप वर्ड सुनने से आपको क्या पता चलता है कि स्लोप आखिर है क्या। तो दोस्तों देखो, अगर मान लो स्लोप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नॉर्मली हम लोग रोड के ऊपर चलते हैं तो कहीं कहीं रोड जो है आपको ऐसे दिखे तो हम लोग बोलते हैं रोड की ढलान बहुत ज़्यादा है, है ना। सीढ़ी में बोलते हैं ये बात, जो लेडर है, मान लो सीढ़ी ऐसे, कोई सीढ़ी ऐसे रखी हुई है दीवार के अगेंस्ट और कोई ऐसे रखी हुई है, कोई एकदम से ऐसे रखी हुई है, तो आपसे कोई पूछेगा इन तीनों सीढ़ी में सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बोलोगे सर ये सीढ़ी का स्लोप सबसे ज़्यादा है। स्लोप मतलब हिंदी में बोले तो ढाल, और सबसे कम स्लोप किसका है? इसका। तो सवाल ये है कि ये जो स्लोप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रियल लाइफ में हम लोग इसको बोलते हैं स्लोप। ग्राफ का जो स्लोप है कुछ कुछ इससे मैच करता है,
ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करता है, मैच करता है, ठीक है ना। ग्राफ में भी अगर हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और कोई ऐसा कर्व दिखेगा हमें, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो रियल लाइफ के स्लोप और ऐसे स्लोप में आपका बहुत ज़्यादा समानता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में, यानी कि इन केस ऑफ फिजिक्स या मैथ कह लो, स्लोप का क्या मतलब है, ठीक है। ओके, अब आज स्लोप जब मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिनको अभी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज में समस्या है, क्योंकि उसका यूज अभी आएगा, वो फिर से जाके मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 3 या 4, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहता, लेकिन आप चेक कर लेना किसमें रेट ऑफ चेंज पढ़ाया गया, 3 या 4 में ही पढ़ाया गया होगा आई थिंक, समझ गए ना। तो आप उसको जरूर ढंग से जाके देख लेना, क्योंकि स्लोप वही है, स्लोप जो है उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जो मैथमेटिकली आप रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज क्या पढ़ते हो बच्चों, रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो वाई, अगर मान लो एक्स का फंक्शन है तो तुमने दो प्रकार का रेट ऑफ चेंज देखा, डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया था बच्चों, एवरेज चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते थे और एवरेज निकालते थे एक इंटरवल में। तो ये जो रेट ऑफ चेंज का जो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया, ये सिंपली कैलकुलेट करते हो और ये एक प्रकार से डिफ्रेंशिएशन हो गया, कैलकुलस से आता है। तो ये जो मैथमेटिकल वर्जन है रेट ऑफ चेंज का, उसी का डायग्रामेटिक वर्जन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप। अब देखो आपको पॉइंट समझ में आ गया, मतलब स्लोप इज नथिंग बट इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज। ओके, रेट ऑफ चेंज को चित्र के माध्यम से दर्शाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हैं। अब इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैप्टर को एक बार देख जोड़ लें। अब यहां पे पहले मैं स्लोप का डेफिनेशन लिख दूं यहां पे, कि स्लोप इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज। स्लोप जो है बच्चों ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका, रेट ऑफ चेंज का, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली स्लोप दो टाइप का हो सकता है, स्लोप आपका दो टाइप का होगा, क्योंकि अगर ये रेट ऑफ चेंज है और मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ही दो टाइप का होता है, तो रेट ऑफ चेंज को ही स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप भी दो टाइप का होगा, एक आपका होगा एवरेज स्लोप और एक क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप INST का मतलब समझ जाते हो ना, AVE का मतलब एवरेज, INST का मतलब इंस्टेंटेनियस। अब स्लोप दो टाइप का हो गया, एवरेज स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप। एवरेज स्लोप की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मान लो ग्राफ तुमने ड्रॉ किया है वाई और एक्स के बीच में, किसके बीच में, वाई और एक्स के बीच में, तो एवरेज स्लोप जो है ये कहलाएगा बच्चों एवरेज, ये हो गया आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका, हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो बच्चों एवरेज स्लोप जो है वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ये आपको क्या देगा, हमेशा एवरेज स्लोप, क्योंकि दरअसल ये देगा एवरेज रेट, और एवरेज रेट ही किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एवरेज स्लोप को। और जहां तक रही बात इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा, सिंपल है, दोनों इक्वली है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसकी वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई एक्सिस के क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा मैथमेटिकली, और ग्राफ के माध्यम से वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और मज़ा आएगा, पहले आप जो है इसको लिख लो और फिर मैं एवरेज स्लोप से काम शुरू करता हूँ। ओके, तो आप जल्दी से इसे लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले एवरेज स्लोप देखते हैं, एवरेज स्लोप, क्लियर। अब पहली बात है, ये स्लोप कभी भी जो कैलकुलेट किया जाएगा किसी दो पॉइंट के बीच में, है ना, ये जब भी आपका एवरेज वर्ड का मतलब ही होता है किसी एक इंटरवल की बात नहीं हो रही है, बल्कि एवरेज का मतलब ही होता है बच्चों कि ये दो इंस्टेंट के बीच की बात हो रही है ना, दो पॉइंट के बीच की बात हो रही है, क्लियर है। तो अब देखो एवरेज स्लोप हम लोग निकालेंगे कैसे, तो पहली बात तो हम लोग ये लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड, इसे डिफाइंड किया जाता है बच्चों, डिफाइंड, इट इज डिफाइंड बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, देखो पहली बात मैथमेटिकली ये फॉर्मूला एवरेज स्लोप का क्या आएगा बच्चों, अगर ग्राफ आपने वाई और एक्स के बीच ड्रॉ किया है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही आप एवरेज स्लोप बोलोगे, है ना, एवरेज स्लोप जो है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ही होगा, दैट इज वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, क्लियर। तो ये हमारा एवरेज स्लोप के लिए फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, वाई एफ माइनस वाई आई अपॉन एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, और इनके बीच मान लो ये ग्राफ है, देखते जाइएगा आप, मान लो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे दो पॉइंट्स सेलेक्ट कर लो, दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एक पॉइंट का नाम हमने रखा P और दूसरे का नाम रखा Q। अब आपको इस ग्राफ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है Y और X के बीच में, मान लो ड्रॉ किया गया, सारा डाटा दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ किया गया, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ उस पर दिमाग अभी नहीं लगाना है, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो मान लो P और Q के बीच में क्या चाहिए अपने को, स्लोप। तो एक काम करते हैं, P के कोऑर्डिनेट को देखते हैं, P के X कोऑर्डिनेट को, तो मान लो X1 दिखा, P का Y कोऑर्डिनेट जो हो गया ये हुआ Y1, Q का X कोऑर्डिनेट हो गया आपका X2, मान लो Q का Y कोऑर्डिनेट जो है ये क्या है Y2। तो एक तो तरीका ये है कि अगर क्वेश्चन में मेरे को ये चारों कोऑर्डिनेट्स दिए गए, मतलब अगर मान लो आपको कोई ग्राफ दिया गया, पूछा गया P और Q के बीच में ग्राफ का स्लोप निकालो, तो एवरेज स्लोप तो हमेशा दो पॉइंट के बीच में पूछा जाएगा, याद रखना P से Q के बीच का एवरेज स्लोप। तो आप क्या करोगे बच्चे, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है फिर कर लेते हैं काम, तो आप X1 और Y1, X2 और Y2 अगर डायग्राम में गिवन है तब तो बहुत आसान है बच्चों इसको कैलकुलेट करना, सीधा आपका जो यहाँ पे एवरेज स्लोप होगा वो हो जाएगा एवरेज स्लोप इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, वाई एफ माइनस वाई आई, तो फाइनल कौन है Y2, इनिशियल कौन है Y1, तो ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। अगर ये फोर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आपके लिए ये काम आसान है, क्लियर। तो एक तो मेथड ये हो गया, लेकिन अगर मान लो बच्चे यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, Y1 और Y2 नहीं दिया हुआ है, कुछ और ही दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है देखते जाओ तुम, बस क्या दिया हुआ रह सकता है सो देखो। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है P और Q के बीच में स्लोप निकालो, तो एक काम करो,
पी और क्यू को ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन से। ये ग्राफ नहीं है, ये हम लोग अपने मन से ज्वाइन किए। ग्राफ तो आपका ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, रेड कलर से हम लोगों ने अपने मन से ज्वाइन कर दिया। और इस स्ट्रेट लाइन का नाम होता है बच्चों कॉर्ड। क्या नाम होता है बच्चों? कॉर्ड। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कोई पूछेगा ये लेंथ कितना होगा यहां से लेके यहां तक, तो सीधी सी बात है यहां से लेके यहां तक एक्स टू है, यहां से लेके यहां तक एक्स वन है, तो ये जो बीच वाला लेंथ होगा बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वन, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन, हो जाएगा कि नहीं? ये लेंथ। कोई पूछेगा ये लेंथ कितना है, तो बच्चे यहां से लेके यहां तक वाई टू है और यहां तक वाई वन है, तो ऑटोमेटिकली ये डेल्टा वाई हो जाएगा, और डेल्टा वाई हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन। अब आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम कुछ रख लो, ये पी, पी और क्यू तो पहले से था, इसको एस बोल दो। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू एस, ठीक। और इसमें अगर ये एंगल ले लें, ये एंगल मान लो थीटा है, कितना एंगल है बच्चों? थीटा। तो ऑटोमेटिकली यहां पे लिखेंगे टैन थीटा। अगर टैन थीटा लिखें तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा क्यू एस, दैट इज परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है? पी एस। हो जाएगा कि नहीं? ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। तो टैन थीटा हो गया पी क्यू एस बाय पी एस, तो ऑटोमेटिकली टैन थीटा इक्वल टू क्यू एस। अब क्यू एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा वाई को। और पी एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा एक्स को। तो बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो टैन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया, और यही डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है आपका? एवरेज स्लोप। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो टैन थीटा है ये कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या दे देगा? एवरेज स्लोप। तो अगर मान लो एग्जामिनेशन में ये थीटा दे दे आपको, मान लो 60 डिग्री थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अब बाकी ये चारों कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तब भी आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि इस थीटा का जो टैन है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? एवरेज स्लोप। और कैसे प्रूव किया वो आपके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपका क्यू एस है वो आपका, देखो क्यू एस जो है वो डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एस डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एवरेज स्लोप। लेकिन अब देखो एग्जामिनर एक और बदमाशी कर सकता है, वो ये थीटा नहीं दिया, वो कौन सा थीटा दिया सो बताता हूं। अब इस लाइन को जो हमने इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया था, जिसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड। इस लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करवाओ, एक्सटेंड करवाने का मतलब और लंबा खींचो। तो जब और एक्सटेंड करवाओगे तो ये एक्स एक्सिस को यहां कट करेगा, कट किया ना भाई। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? तो तुम तो ज्योमेट्री से जानते हो बच्चे, मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल भी थीटा तो ये भी थीटा, तो बच्चे ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही होगा। तो अगर ये थीटा के बजाय एग्जामिनर ये थीटा दे दे तो भी काम बन जाएगा कि नहीं? दे बन जाएगा, क्योंकि जो एंगल ये है वही एंगल तो ये भी है। तो अगर ये 60 के बजाय ये 60 दे दे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको एवरेज स्लोप चाहिए तो हम दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और किससे ज्वाइन करेंगे? स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं कॉर्ड, और इस लाइन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये एक्स एक्सिस को कट ना कर दे, और फिर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग, उसी के टैन को क्या बोल सकते हैं? एवरेज स्लोप। अब मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट डायग्राम में लिख के दिखाऊंगा, पहले आप इसको राइट डाउन करो। तो दोस्तों देखो, अब मैं यहाँ पे एक रूल लिखवाने जा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा ढंग से देख लो। मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ एवरेज स्लोप को लेके? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, आप ध्यान से देखते जाना, सीखना है इसको हमें।
स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्लोप स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्लोप एवरेज स्लोप को कैलकुलेट करने का स्टेप। अब ये स्टेप क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से आप समझो। सबसे पहली बात कि अगर मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, थोड़ा स्टेप मतलब हर स्टेप के साथ लिखवा दूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। मान लो आपको कल को कोई बोल दे पी और क्यू के बीच में स्लोप निकालो, तो एक तो है कि चारों कोऑर्डिनेट दे दे x1 y1 x2 y2, तो भी काम अपना चल जाएगा। अगर वो नहीं देता है तो भी हम एवरेज स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, तो देख लो, हम लोग जिन दो पॉइंट के बीच में आपको एवरेज स्लोप बोलेगा, सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों पॉइंट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो स्टेप वन में हम लोग यही लिखेंगे, स्टेप वन में लिखेंगे ज्वाइन P एंड Q बाय स्ट्रेट लाइन कॉल्ड कॉर्ड। किससे ज्वाइन कर दिए बच्चों इसको हम लोग, कॉर्ड से हमने ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन कॉल्ड कॉर्ड। फिर इस कॉर्ड को क्या करेंगे हम लोग, इस कॉर्ड को तब तक एक्सटेंड करेंगे, कब तक, जब तक कि ये इसको कट ना कर दे, किसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। तो स्टेप टू, एक्सटेंड मतलब लंबा करो दिस लाइन टिल, जब तक इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जब तक कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट का मतलब काटना। और जब एक बार इंटरसेक्ट कर दिया तो स्टेप थ्री में, अब ये इंपॉर्टेंट है, मेजर द एंगल बिटवीन, अब ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान देना पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कॉर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चे जब एक बार कट कर दे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, देखो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, इससे नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घड़ी की उल्टी दिशा में, देखो इधर भी मेजर कर सकते थे लेकिन ये घड़ी की दिशा में हो जाती, ये वाला नहीं भाई, ये वाला नहीं, बल्कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल आएगा, ठीक है ना, वो एंगल आपको मेजर कर लेना है। और स्टेप फोर में सीधा हम लोग लिख देंगे टैन ऑफ, मतलब उस एंगल का टैन ऑफ द मेजर्ड एंगल, tan of the measured angle will give average slope, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, फिर अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कल हम लोग और इसमें बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों, ओके।